वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो बढ़िया हो सारे यार, वीडियो डालने में बहुत मुश्किल हो रही है यार बहुत मुश्किल काम है। मैं तो मजाक समझता था, ये यूट्यूबर वगैरह होते हैं ये कैमरे के सामने थोड़ी सी बकचोदी कर देते हैं, फेमस होने लगते हैं लोग, फोटो खिंचाने लगते हैं इनके सामने। बहुत मुश्किल काम है यार ये साला, वीडियो एडिट करना, रेंडर होना, डलना वीडियो। एडिट भी तो मैं क्या ही कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत एडिट कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा। अभी एक हरिद्वार गया था मैं सैटरडे संडे को, तो उसका एक व्लॉग आना है अभी तक भाई, उसको रेंडरिंग पे छोड़ के आया हूँ घर पे। यार एक्चुअली मेरे लिए थोड़ा सा टफ इसीलिए हो जाता है, जस्ट बिकॉज आई एम डूइंग जॉब आल्सो। पापी पेट के लिए नौकरी भी तो करनी पड़ती है ना मेरी जान। यार जॉब में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी, बट लेकिन मैंने कल बात करी तो अब थोड़ी सी, अबे यार साला जाम इतना मिलता है ना यार, क्या करें, गरीबी नहीं जाम नहीं है शायद से। तो ना लाइफ में एक बात हमेशा याद रखना, कभी किसी के साथ प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, फैमिली के साथ इश्यूज हो, ऑफिस में इश्यूज हो, किसी भी थर्ड पर्सन के साथ इश्यूज हो, तो उससे बात करो। अकड़ में मत रहो कि हम क्यों बात करें, वो खुद आएंगे बात करने। बात करो क्योंकि बात करने से चीजें सॉल्व होती हैं। ये चीज मैंने देखी, कल मेरे को काफी प्रॉब्लम आ रही थी ऑफिस में कि मेरे को काम थोड़ा कम दिया जा रहा था, आई डोंट नो व्हाई। तो मैंने बैठ के अपनी मैनेजर से, जो हेड है, उनसे बात कर ली कि क्या दिक्कत है, कुछ काम वगैरह में इश्यू लग रहा है आपको, कि ऐसा क्यों, दो डिजाइनर्स हैं, दूसरे डिजाइनर को ज्यादा काम क्यों दे रहे हो, मुझे क्यों नहीं, क्या मेरा काम अच्छा नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ध्यान नहीं दिया। ठीक है अब तुमने बोल दिया है तो अब मैं ध्यान दूंगी। तो कल रात से मेरे पास काम आ रहा है। क्या मतलब, खुद के पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। पर नहीं यार ये चीज सही है, और तुम काम नहीं करोगे ना क्या जस्टिफाई करोगे, तुम क्यों पैसे देगी कंपनी, और तुम्हारी खुद ही ग्रोथ नहीं होगी, काम अच्छा नहीं होगा, तुम्हारा काम कहीं नहीं दिखेगा आगे ले कुत्ते के बीच, तुम्हारा काम अच्छा नहीं होगा, जस्टिफाई कैसे करोगे, अपनी सैलरी निकालते हुए सोचेंगे भी नहीं, तुम्हारी वैल्यू फिर कंपनी में उतनी ही रह जाएगी जितनी एक मीठी शिकंजी में नमक की होती है, तुनका भर डालते हैं और कोई कोई नहीं भी डालते। इसीलिए भाई अपनी वैल्यू खुद ही बनानी पड़ती है जॉब वगैरह में, या तो तुम इतने कैपेबल हो कि तुम चलो जॉब नहीं कर रहे भाई, ब्लूटूथ वो जिम में ब्लूटूथ थोड़ा खराब हो गया था, तो जो जिम में रिसेप्शन में बैठता है दोस्त ही है, तो वो कहता है कि तू ले आ। बट भाई अब कैसे लेके आऊँ, खुद बताया रात को ऑफिस से फ्री होता हूँ, जाते ही थोड़ी सी वीडियो एडिट वगैरह करनी होती है, डालनी होती है, और जो इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह डालता हूँ मैं, उसको लिखना पड़ता है कंटेंट, उसका ना लिख लेता हूँ मैं एक जगह, क्योंकि कभी कभार कई हजारों थॉट्स आते हैं दिमाग में बट हो नहीं पाते, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। बताओ यार तुम्हारे लिए जाम में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं पागल हूँ, मुझे पता है इसके ये पुल है, एक पुल क्रॉस करने के बाद जाम नहीं आएगा, तो मैं वहां पे वीडियो स्टार्ट करता बनानी। अब मैं ये तो है नहीं कि अब इतना दम नहीं है कि भाई मैं इसको क्लब करके रेंडर करूंगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं है भाई मेरे पास। ये पता नहीं साला अभी जाके एक वीडियो डाली है, मेरे को घर से निकलना था 10 बजे और मैं सुबह से लगा हुआ हूँ 6 बजे से कोशिश करने में कि ये रेंडर हो जाए, ये वीडियो डल जाए, ये चीजें हो जाए। जिम चला गया था करके और तो साला वो पॉज करके चला गया, दिमाग मेरा ध्यान नहीं दिया, पॉज पता नहीं हो गया या करके चला गया था, और फिर अभी आते हुए 1 घंटे पहले मैंने देखा कि भाई ये तो वो नहीं हो रहा, पॉज हो रखा है, फिर उसको रिज्यूम करा, फिर रेंडरिंग होनी स्टार्ट हुई। तो ये भी ये चीज होगी, ये तो साला अपनी लाइफ की परेशानी बताने लग गया मैं। हाँ और ये बताता हूँ कि ना यार आजकल बहुत गालियां पड़ रही हैं यार इंस्टा पे, बहुत गालियां भर भर के हेट, इतनी गालियां पता नहीं कैसे खा लेते हैं यार लोग। भाई ऐसे नहीं कि मैं गाली नहीं दे सकता, गाली सालो ऐसी ऐसी दूंगा कि तुम सोचो कि ऐसी भी चीज होती है क्या, पर किस किस को गाली दे लूंगा, किस किस को, सबको तो नहीं, अपना ही मुंह गंदा करने वाली बात हो जाएगी। बस न्यूट्रल छोड़ रखा है, पर भाई अगर मैं ये कहूं कि भाई मेरे को बुरा नहीं लगता, मेरे को नहीं फर्क पड़ता इन सब चीजों के, लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरे को अपने काम से मतलब है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोगों के लिए कर रहा हूँ वीडियोज वगैरह कि लोग देखें, अगर कुछ सिखाने वाली चीज है तो नॉर्मल सी चीज सीखे, सिखाने वाली है तो वो सीख ले, बट लेकिन फिर उसी के अपोजिट गाली आ रही है ना,
दिल से बुरा लगता है, दिल से कोई नहीं सह लेंगे। अब ये जिम्मा उठाया है करने का यार, अब साला खाना खा के आया हूँ, भूख लगी, पानी पी पी के पेट भर लूंगा। लीनिंग भी तो स्टार्ट कर दी साला, वर्कआउट वर्क वेट ट्रेनिंग करने में मजा आता है, जो कार्डियो हो जाता है ना बिल्कुल वो नहीं देता। और यार अब ऑफिस में तो ये भी सीन चल गया कि ना 11 बजे की टाइमिंग है, अगर 11 बजे से थोड़ा सा भी लेट हो गए अगर तुम हफ्ते में 3 दिन लगातार, तो तुम्हारी एक छुट्टी कट जाएगी। और यार अगर ऐसा हो गया ना, साली घर की किस्त भरनी है। तुम भी सोचते हो साला, रोता रहता है घर की किस्त को लेके कि लिया ही क्यों लोन, लेना तो था ये। एक अच्छा घर होना तो जरूरी है, लाइफ है तो एंजॉय भी तो करना है उसको, भले ही बाद में बुनपट्टी रहे। सब यार सही चल रहा था मेरी लाइफ में ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। एक अच्छी जॉब थी जिसमें वर्क फ्रॉम होम था, वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, बढ़िया बढ़िया सैलरी आ रही थी, अपनी किस्त जा रही थी, न्यूट्रल लाइफ चल रही थी। बट हाँ ये भी चीज़ें थी कि कुछ सीखने को नहीं मिल रहा था, बहुत चीज़ें थी, रेंट में निकाल दिया था सालों ने मेरे को। कोई बात नहीं, अब तुम्हें पता है मेरे को ना लालच बढ़ता जा रहा है इन सब चीज़ों का ना। ये जो तो एक बंदा देख रहे हो ना ब्रदर, ये सिस्टर जाने मन जो भी देख रहे हो, तो लालच बढ़ रहा है मेरा कि भाई थोड़े और बंदे देख लें, दो बंदे देख लें, दो बंदे लाइक कर दें, क्योंकि एफर्ट लग रहा है ना। जिस चीज़ में एफर्ट लग जाता है ना उस चीज़ में तुम्हें एक्सपेक्टेशन अपने आप ही आ जाती है, चाहे वो रिलेशनशिप हो या कोई भी किसी भी चीज़ को लेके तुम मेहनत कर रहे हो ना, अगर तुम एफर्ट दे रहे हो किसी चीज़ को तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन अपने आप ही बिल्ड हो जाएंगी। अगर तुम कोई रिलेशनशिप में टाइम दे रहे हो, अपना एफर्ट दे रहे हो मिलने के लिए, हर चीज़ बहुत पैसा दे रहे हो, सब चीज़ें दे रहे हो, तो तुम्हें अपने आप ही एक्सपेक्टेशन आ जाएगी कि तुम भी अपने पार्टनर से ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हो। जैसे ना मैं अपने एग्जांपल दे देता हूँ, मेरा ना ये सपना था कि मैं एक बार बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेलूँगा, चाहे जीतूँ ना जीतूँ मेरे को उससे मैटर करता ही नहीं है। बट जब मैं उसके लिए मेहनत कर रहा था ना, तो मेरी एक्सपेक्टेशन पता है क्या थी कि भाई जीतना ही है, भाई इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, इतना पागलों की तरह लगा हुआ हूँ दिन रात, जीतना ही है, जीतने के लिए खेल रहा हूँ मैं, हवाबाजी नहीं। जाम में धीरे धीरे गाड़ी चला रहा हूँ यार, नहीं नहीं चलाऊंगा, नेक्सॉन चल रही है आगे, चेक है। एक्सपेक्टेशन आ जाती है, हर घर तिरंगा, तिरंगे के ऊपर मैं ये बोलता हूँ कि ना यार मेरे को ना एक दो बंदे ने, मेरे यार दोस्त ने बोला कि भाई तू भी गाड़ी के आगे तिरंगा लगा ले। मैंने कहा यार चल तेरी बात तो सही है, कोई बात नहीं, लगा देता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। बट यार उसको ना संभालना बहुत मुश्किल है यार। अगर तुम दिल से इज्जत करते हो ना तिरंगे की, तो भाई तुम्हारा ये देखो तिरंगे की बात कर रहा हूँ, नीचे कसम से भाई नीचे तिरंगा पड़ा है, फोन वोन हटा छोड़ क्या दिखाना, नीचे तिरंगा गिरा हुआ है। अब ये भी किसी ने यही चीज सोच के लगाया होगा ना कि भाई मैं देश प्रेमी हूँ, 15 अगस्त आ गया मैं लगाता हूँ तिरंगा, और अब नीचे पड़ा हुआ है, अब कहाँ गया तिरंगा, गया तुम्हारा 15 अगस्त, आ गई 22 अगस्त, 22 अगस्त को वीडियो बना रहा हूँ मैं ये, अब पता नहीं ना डालूंगा कब, 23 को डले, 24 को डले, 25 को डले, 22 को बना रहा हूँ, गया सारा प्रेम बत्ती बन के अंदर। इसीलिए ना भाई अगर कोई चीज तुम रिस्पेक्ट नहीं कर सकते ना, तो उस चीज का जिम्मा मत उठाओ बिल्कुल भी नहीं। हवाबाजी में आके कि भाई मैं देख लूंगा, मैं संभाल लूंगा, कभी लोग डॉग्स वगैरह पालते हैं, डॉग लवर होते हैं ना आजकल, डॉग लवर होते हैं, क्या करते हैं, डॉग तो पाल लिया, सबके लिए नहीं बोल रहा ये, कुछ कुछ इंडिविजुअल बंदों के लिए बोल रहा, डॉग पाल लिया, अब भगवान ना करे किसी के पेट को कोई बीमारी हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, हजार चीजें हो जाए, आधे बंदे ना रियलिटी बता रहा हूँ छोड़ देते हैं मरने के लिए, वो ये नहीं देखते, वो अपना पैसा देखते हैं फिर कि भाई हाँ इंसान को ठीक कराने के तो पैसे हैं नहीं, हम इनको कहाँ से ठीक कराएं, तब बत्ती बना के घुस जाता है प्यार। इसीलिए ना अगर तुम्हारे अंदर, मैं कह रहा हूँ मेरे अंदर गुदा नहीं है भगवान, मैं करता हूँ भाई डॉग्स वगैरह, पेट से प्यार करता हूँ, कोई चक्कर ही नहीं, बट एक तो पहली बार टाइम नहीं है देने को, ना फैमिली में किसी के पास है टाइम, ना मेरे पास है,
ना उसको टाइम, क्यों उसको सफर कराना घर में कमरे में छोड़ के आना, उसकी भी तो लाइफ है ना जीने तो भाई। कल को उसको बीमारी वगैरह हो जाए कुछ नहीं है भाई मेरे पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, रो नहीं रहा पैसे के लिए, जो रियलिटी है रियलिटी चेक करा रहा हूँ। ठीक है भाई अर्निंग करता हूँ बट भाई ईएमआई वगैरह भी होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, नहीं बचता कुछ। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास दिखाने के लिए हूँ, हूँ मिडिल क्लास, लोअर लोअर तो नहीं कह सकते क्या, खाना पीना सही करता हूँ। बट हाँ ये चीज तुम्हें बताने कि अगर तुम किसी चीज को वो ध्यान नहीं रख सकते ना तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत उठाओ। चलो यार 11 मिनट का ब्लॉग हो गया आज के लिए, इतना ही। थंबनेल सोचता हूँ क्या लगाऊंगा, थंबनेल भाया कल थंबनेल लगाया तो अरे भाई ने थंबनेल लगाऊंगा क्लिक बेट होंगे। चलो ये वीडियो यहीं खत्म करता हूँ, साला जाम में ही फंसा हूँ क्या, 10:35 हो गया, अगर लेट हो गया तो फिर दिक्कत भाई, वीडियो के चक्कर में वेट लेट हुआ हूँ मैं कसम से, डल ही नहीं रही थी नेट, साबुन स्लो है यार, वाईफाई है घर में सब कुछ है, पता नहीं क्यों साला यूट्यूब की वीडियो इतनी धीरे से टाइम लेती है डलने के लिए, पहले साले अपलोड होती है फिर प्रोसेसिंग होती है, 100% दिक्कतें आ जाती हैं। चलो ये ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, डाल दूंगा कल तक, कोशिश करूंगा डालने, एक रात को कोशिश करूंगा कि अगर वो रेंडर हो जाए तो हरिद्वार का ब्लॉग आ जाएगा, क्या पता ये डलने से पहले आ चुका हो। ओके बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। एक बंदा जो देखता है, एक और चाहिए मेरे को, 2 लाइक चाहिए वीडियो के नीचे।